जय श्री राम। फिर से स्वागत है टेक्सटाइल टेक इंद्रजीत यादव चैनल में, और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने थंबनेल देख के ही क्लिक कर लिया है। तो आज किस विषय पर जो है चर्चा होगी? तो जी हाँ, तो आज हमारे दो प्रोसेस पूरे हो गए क्वालिटी कंट्रोल से लेके, जो कि आपका स्टिचिंग और फिनिशिंग डिपार्ट दोनों का क्लियर हो गया है। आज चर्चा होगी कटिंग डिपार्ट पे, तो हाउ टू चेक क्वालिटी इन कटिंग डिपार्ट, तो इस पर चर्चा करेंगे। और उन लोगों के लिए बता दें जो बंदे जो हैं जिनको हेजिटेशन रहती है कि QC क्या है, कि जो चेकर जो चेकिंग करता है गारमेंट लाइन में, जो चेकर है मेजरमेंट या फाइनल जो भी है, कहीं भी स्टिचिंग फिनिशिंग कटिंग कहीं पे भी जो चेकर है, थोड़ा सा अगर वो स्टडी कर ले, थोड़ा सा मेहनत कर ले, तो वो भी एक स्टेप आगे बढ़ सकता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि QC के लिए कैसे अप्लाई करें, QC के लिए क्या नॉलेज होनी चाहिए। तो कोई नॉलेज नहीं होना चाहिए, जितना नॉलेज आपको है प्लस उससे थोड़ा सा और नॉलेज ले लें। एक घंटे आप डेली स्टडी करें, ठीक है, उसी पे तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, आपकी जो नेगेटिविटी है वो नहीं होनी होनी चाहिए, पॉजिटिव ही होनी चाहिए। जो पॉजिटिव तरीके से आप सोचेंगे तो सब कुछ होगा, हुआ कुछ नहीं होता है। एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, बहुत से देखे होंगे लोग आपने कि जो उनका एजुकेशन इतना नहीं होता, लेकिन मैनेजर रैंक पे आपने देखे होंगे। ठीक है, तो उनका क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं है, आगे बढ़ने का हमेशा उनके विचार रहते हैं और आगे बढ़ने का उन्होंने हमेशा प्रयत्न किया है। तो उन्हीं बंदों को हम बोलना चाहेंगे कि आप अपने हौसलों को बुलंद रखिए। ठीक है, आप भी इंसान हैं जो, और वो भी इंसान है जो मैनेजर पोस्ट पे बैठे हुए हैं, और बस यही है कि उन्होंने समय से पहले अपना तैयारी कर लिया और आपको अभी कन्फ्यूजन है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो कोई नहीं दोस्त, समय सीखने का कोई समय नहीं होता है, जब से आप सीखना चाहो तब से आप सीख सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो इस लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मेरी तरफ से यही है कि आज से मेहनत करना स्टार्ट कर दो, अपने दृढ़ विश्वास निश्चित ये कर लो कि मुझे ये काम करना है, पागल हो जाओ, क्रेजी, बिल्कुल क्रेजीनेस हो जाओ कि मुझे इसको करना तो करना ही है, और पॉजिटिव विचार से। ठीक है, आप अगर आप आलस कर गए, लेजीनेस आपके आ गई, तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आप जिस चीज़ के पीछे पड़ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता आप मेहनत करेंगे तो वो चीज़ आप नहीं कर पाएंगे। पीछे पड़ जाओ दोस्तों, जुनून आ जाए आपके, पागलपन आ जाए उस चीज़ के लिए, तो आप 100% कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो हम ज़्यादा बात को ना करते हुए बस अपने टॉपिक पे आते हैं कि कटिंग डिपार्टमेंट क्वालिटी कंट्रोल कैसे करता है, कैसे चेक करता है। तो दोस्तों क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज़रूरी है हर डिपार्टमेंट, और मैं आपको बता दूं कि गारमेंट लाइन में हमारा गारमेंट जो तैयार होता है उसका फर्स्ट स्टेप कहाँ से, कटिंग डिपार्ट होता है दोस्तों। जो फैब्रिक होता है ये हमारी यहाँ से शुरुआत होती है, तो यहाँ पे सबसे ध्यान देने चीज़ है कि अगर यहाँ से गलती हुई तो समझ लो आखिर तक गलती होती जाएगी और उसका बहुत बड़ा हमें नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से बड़े ध्यानपूर्वक और बड़े हिसाब से यहाँ से चेक करेंगे, जो भी काम होगा कटिंग करेंगे, अगर यहाँ से प्रॉब्लम हो गई तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल क्या करेगा, जो वहाँ पे एक्सपर्ट हैं, कटिंग सुपरवाइज़र, कटिंग मास्टर हैं, लेयरमैन हैं, ये अपना काम तो भलीभांत करते ही हैं, लेकिन क्वालिटी वाला इसीलिए रखा जाता है कि वो जो काम कर रहे हैं वो क्वालिटी के हिसाब से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और क्वालिटी वाले QC को बस ये ध्यान रखना होता है कि जैसे स्टोर से वो किसी भी गारमेंट के लिए, किसी भी स्टाइल के लिए जो फैब्रिक आता है, तो वहाँ से फैब्रिक जैसे ही आता है, जैसे फैब्रिक का रोल आता है उसे वेरीफाई कर लें। ठीक है, जो हमारा अप्रूवल, जो हमारा अप्रूव्ड जो फैब्रिक है उससे मैच कर लें, कहीं उसमें लॉट तो नहीं है, कोई प्रकार के कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो उसको मैच करने के बाद
उसके बाद तब जाके लेयरमैन को सौंप दिया जाता है। तो लेयरमैन अपनी लेयर लगाता है, उस समय भी क्वालिटी कंट्रोल वहाँ पे होगा, देखेगा लेयर को, देखेगा कि किस प्रकार से लेयर लग रही है, उसमें कितना टेंशन है, कितना दबाव है, कितना खिंचाव है, कैसी स्प्रेडिंग है, ये सारी चीज़ देखेंगे, उस पर ध्यान रखेंगे। क्योंकि बॉस यहाँ पे बहुत ज़रूरी ध्यान रखने वाली चीज़ है कि यहाँ पे गलती हो गई तो आखिर तक गलती होगी और उस गलती का नुकसान बहुत ही बड़ा होगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा से ध्यान देंगे। जब हमारी पूरी तरीके से लेयरिंग हो जाएगी, उसके बाद जब उस पर मार्किंग पैटर्न के अकॉर्डिंग, पैटर्न जो हैं बहुत सारे पैटर्न होते हैं, लेकिन हम उसी अप्रूवल उसी स्टाइल का वही पैटर्न लेके आएंगे जो अप्रूव्ड होगा, साइन होगा उस पर, उसी के हिसाब से हम वहाँ पे मार्किंग करवाएंगे। और मार्किंग भी इस हिसाब की होनी चाहिए कि हमारा फैब्रिक ज़्यादा कंज्यूम ना हो, ज़्यादा बेस्ट ना हो, बिल्कुल नपीतुली मार्किंग होनी चाहिए ताकि हमारा फैब्रिक ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बर्बाद ना हो। ठीक है दोस्तों, बाकी लेयर लगने के बाद, तो लेयर लगने के बाद, ये मार्किंग होने के बाद, आप फिर इसको क्या करना है, आपको रिलैक्स में छोड़ देना है 2-3 घंटे के लिए, ताकि जो हमारा फैब्रिक का तनाव होगा, स्प्रेडिंग जो जो की गई है, तो उसको रिलैक्स होने के लिए छोड़ देंगे। 2-3 घंटे के बाद ही कटिंग उस पर स्टार्ट करें। कटिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से मिलान कर लें कि हमारी नोचिस वगैरह हैं वो क्लियर हैं कि नहीं है, और नोचिस वगैरह जो भी मार्किंग है वो सही है। मार्किंग ओवर मार्किंग नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ओवर मार्किंग होने से बहुत बड़ा दुष्परिणाम होता है, क्योंकि ओवर मार्किंग होने से जो हमारा उतनी अधिक जो है मार्जिन हमारी इधर उधर चली जाती है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो ओवर मार्किंग तो होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। फिर उसके बाद जब कटिंग हो जाती है, तो उसमें ये देखें मिस कटिंग तो नहीं हो रही है भाई। मिस कटिंग होने से भी प्रॉब्लम होती है, तो इन सब चीज़ों को चेक करके कटिंग आपकी होने के बाद बिल्कुल आप बिल्कुल अपने में सुरक्षित हैं। क्वालिटी वाला बिल्कुल अपने में बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस के साथ उसने जो काम किया गया है उसमें बिल्कुल एक तरह से सहमत है कि हमारी क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही तरीके से जांच परख के फिर उसके बाद उस कटिंग को स्टिचिंग क्षेत्र में भेज दिया जाता है। तो बहुत ज़रूरी होता है हर जगह क्वालिटी क्यूसी के लिए या क्वालिटी के बंदे के लिए, बहुत हर जगह उसका ज़रूरी होता है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो आपकी आने वाली है। एक भाई ने कमेंट किया है सिलाई कितने प्रकार की होती हैं, उसका वीडियो आएगा। फिर एक भाई ने जयपुर से हैं और उन्होंने किया है कि वो कह रहे हैं कि मैं ऑलरेडी चेकिंग में काम कर रहा हूँ जयपुर में लगभग लास्ट 5-6 साल से, और वो लाइन सुपरवाइज़र बनना चाहते हैं। तो लाइन सुपरवाइज़र बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आपको हर तरह की मशीन चलानी आनी चाहिए, फ्लैट है, सिंगर है, ओवरलॉक है, मशीन का जानकारी हो, धागे डालने निकालने की जानकारी हो आपको, ठीक है, और लाइन सेटअप की जानकारी हो, तो आप बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं तो आप बन सकते हैं। मुझे आप क्वालिटी ऑलरेडी देख ही रहे हैं वहाँ पे अजय चेकर, तो आप कर सकते हैं। उनके लिए एक वीडियो लाएंगे लाइन सुपरवाइज़र के लिए, क्या होता है क्या नहीं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारी वीडियो को देखते रहें, लाइक कमेंट करते रहें, और दोस्तों शेयर करो, और इस कंडीशन पे पहुंचा दो कि मैं एक दिन आके आपको लाइव आके भी आपको टीच कर सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम दोस्तों।